हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक स्पेशल चीज़, कीरा। तो इसे बोलते हैं हम घराट, आप इसे पंचकी बोल सकते हो। यहाँ पे मतलब आटा पिसा जाता है, गेहूँ की पिसाई होती है, गेहूँ मंडवा जो भी होता है हमारे यहाँ पे गाँव में। पहले सबकी पिसाई यहीं पर होती थी, लेकिन अभी क्या है गाँव में चक्या वक्या बन गई है तो कोई यहाँ पर आता नहीं है। इसको हमने थोड़ा एमरजेंसी के लिए रिपेयर करके रखा हुआ ताकि कभी कभार यहाँ पर टाइम नहीं सामने जाने का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है गाँव। तो यहाँ पे डाल के हमको 4-5 घंटे में मतलब 20 से 30 किलो तक गेहूँ पिस जाते हैं इसमें। तो अभी हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे ये कैसे चलता है। तो ये रहा हमारा घराट और अभी हम जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे तो ये कुछ इस तरह से अभी क्योंकि यूज भी नहीं है। तो देखिए ये है, ये वो पत्थर है जो कि घूमता है और उसके बाद गेहूँ की पिसाई होती है और इसके अंदर डाले जाते हैं गेहूँ इधर। और जब ये घाट घूमता है तो उसके हिसाब से मतलब गेहूँ यहाँ से अपने आप ही नीचे गिरते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। तो अभी फाइनली भी हम आ चुके हैं ऊपर और यहाँ से आप देख रहे हो जो पानी नीचे जा रहा है तो इसी पानी से जो पंचक्की चलती है। अभी यहाँ पर बंद कर रखा है तो मैं यहाँ पर पूरा पानी खोल के नीचे और उसके बाद आपको पंचक्की चालू करके दिखाता हूँ। तो भी फाइनली अभी हमने पानी चालू कर दिया है और इस तरीके से कुछ चलता है ये पानी से। तो अभी हम लेके आए हुए हैं गेहूं साथ में पन्नी के अंदर जो कि आदित्य के पास हैं और अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें गेहूं डाल के कि किस तरह से इसमें गेहूं की पिसाई होती है। अभी जो ऊपर से आप देख रहे हो ये साइड जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है तो इसके अंदर डाले जाते हैं गेहूँ और बाद में वो धीरे धीरे से अपने आप से नीचे आते हैं। जो आप छेद जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसके अंदर गिरेंगे धीरे धीरे से और बाद में आटा पिस के आता है बाहर। तो कुछ इस तरीके से इसका मैकेनिज़म है। इसकी सेटिंग करनी पड़ती है और यहाँ से जो है आटा इसके जो है बाहर आता है। तो कुछ इस तरह से इसका प्रोसीजर है। और ये जो देख रहे हो इसको बोलते हैं कंडाली। क्या बोलते हैं आदित्य इसको? तो जो बच्चे छोटे छोटे में रोते थे ना तो यही लगाई जाती थी सबको। तेरे लगाऊं क्या अभी? Magic, I hop on the track and he get the spaz and rip and break the shit till he get the crack and all hell breaks loose when I get the packing. Got flows all day, you can check my notes. No interruptions when I'm in my zone. You hate what is real, but you'll never know how real I get when I'm in control. Nah.